शाहरुख खान की पठान का डंका हर तरफ बज रहा है। पहले ही दिन से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और चार दिनों में दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। देश विदेश में पठान को शानदार रिस्पांस मिल रहा है और कमाई के मामले में दिन ब दिन पठान कामयाबी के रथ पर सवार होती जा रही है। वहीं राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में भी पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर पठान शाहरुख खान की वापसी फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। हर तरफ पठान को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, विदेश में भी पठान का जलवा देखते ही बनता है। वहीं इस सब के बीच ही राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में भी शाहरुख खान की पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सेक्रेटरी रहे एसएम खान ने ट्वीट कर फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान तस्वीरें साझा कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग, इसके साथ उन्होंने शाहरुख खान को भी टैग किया है। बता दें आपको कि पठान ने 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम मुख्य भूमिका में रहे और वहीं सलमान खान ने कैमियो किया है।